निजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहे छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए विभिन्न छात्र संगठनों ने आज पीजी कॉलेज में किया प्रदर्शन। डीएसओ ने कॉलेज और कलेक्ट्रेट में सैकड़ों छात्रों के साथ पहुंचकर सौंपा प्रशासन को ज्ञापन और की 25% सीटों को बढ़ाने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ने भी आज 25% छात्रों को अधिक प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर कॉलेज प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न छात्र संगठनों की मांगों को मानते हुए पीजी कॉलेज ने प्रवेश के लिए 25% सीटें गुना में बढ़ाई। नेशनल हाईवे नंबर 16 पर रावगढ़ के पास रोड पर काम कर रहे मजदूरों को एक वाहन ने रौंदा। देर तक हादसे के शिकार शव पड़े रहे सड़क पर, नहीं ली गुजरने वालों ने कोई सुध। घटना के काफी घंटों बाद शव को लेने पहुंची वाहन। लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। प्राचार्य ने किया इनकार तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुखरता से की नारेबाजी। तब प्राचार्य ने 10% सीटें बढ़ाई। लक्ष्मीगंज में मुख्यमंत्री की सभा के लिए मंच बनाए जाने की कवायद हुई शुरू और इस तारतम्य में आज से ही लक्ष्मीगंज से अस्पताल जाने का मार्ग किया बंद। सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर और एसपी सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने लक्ष्मीगंज में सभा स्थल का और सभा मंच का किया दौरा। स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह आज रहे गुना प्रवास पर। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में खासतौर पर फीस अधिनियम को लेकर कहा, जनता को मिलेगी इस अधिनियम से राहत। अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी दिया बयान। शहर की एक आर्म्स की दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह। दुकान में पहुंचकर किया बंदूकों का अवलोकन। अस्पताल में 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को लाइन में खड़े होकर बनवाना पड़ रहा है पर्चा। पेंशनरों के लिए पर्चे के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर भी जिला पेंशनर एसोसिएशन संघ ने जताई आपत्ति, व्यक्त की नाराजगी। बरसते पानी के बीच सड़क सुधारने की कवायद से सीमेंट बह रहा व्यर्थ। शासन के पैसों को लग रहा है अनावश्यक रूप से चूना। राधा कॉलोनी में बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे हो रहे एक गड्ढे के चलते आए दिन होते हैं गाड़ी हादसे की शिकार। आज फिर एक ऑटो गड्ढे में गिरी। बारिश के दौर में बीनागंज चाचौड़ा की रोड हुई मलवा और कीचड़ में तब्दील, नागरिक हो रहे हैं परेशान। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में ग्राम सिलावटी में आयोजित हुआ 5 दिवसीय निशुल्क योग शिविर। योग शिविर के तारतम्य में आज ग्रामीण बच्चों ने गांव में निकाली रैली, साथ ही नागरिकों ने किया हवन। अशोकनगर से इलाज के लिए ग्वालियर जा रही एक महिला गुना स्टेशन से हुई लापता। पीड़ित पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट और नागरिकों से की जानकारी देने की मांग। मानसिक रोगी है महिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की म्याना में आयोजित होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के पहले एक बार फिर म्याना वासियों में जगी म्याना को नगर परिषद घोषित करने की, क्रियान्वित करने की मांग।